क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने वाले लोग बहुत हैं, बहुत है, लेकिन उसे प्रॉफिटेबल बनाने पे लोगों को पता ही नहीं है कि करना क्या है। और उसमें हम लोगों ने 1.8 सीआर का रेवेन्यू जनरेट करा था 7 डेज के अंदर, और हमारा जो फर्स्ट डे का रेवेन्यू था वो 40 लाख रुपीस का था। इंटरव्यू पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में। इस ऐप का नाम है अपस्टॉक। इस ऐप की हेल्प से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही अंदर, वो भी फ्री में। जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाएंगे अपस्टॉक्स पे तो आपको 300 रुपये का फ्लिपकार्ट वाउचर मिलेगा, और जैसे ही आप अगर अपना पहला इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर तो आप अपस्टॉक्स 500 का यूज करके आपको 200 रुपये का और वाउचर मिलेगा जो आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करने के टाइम पे इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए क्या लगेगा? सिर्फ आधार कार्ड और एक पैन कार्ड। अगर बात करें इसके इंटरफेस की तो इसका इंटरफेस बड़ा ही यूजर फ्रेंडली है और प्ले स्टोर पे सबसे हाईएस्ट रेटेड एप्लीकेशन है। इसके 1 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, और अगर आपको इंग्लिश में भी प्रॉब्लम हो रही है तो इस ऐप को हिंदी में भी बनाया गया है, तो आप हिंदी में भी इसका यूज कर सकते हैं। और अगर आप अब स्टॉक्स का यूज करते हैं तो आपको 28,000 रुपये से भी ज़्यादा के बेनिफिट्स मिलेंगे। इन बेनिफिट्स के बारे में जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, और नीचे मैंने लिंक भी दिया हुआ है तो वहां से आप अब स्टॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट्स आज से शुरू कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इंटरव्यू पे। नमस्ते देवी और देवताओं, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ एक बेहद इंस्पायरिंग पर्सनालिटी सौरभ भटनागर जी। इनके बारे में अगर बताएं तो भाई साहब ये फेसबुक ऐड में एक्सपर्ट है, फनल में एक्सपर्ट है, और इन सब चीज़ों के हेल्प से इन्होंने करोड़ों रुपए जनरेट करे हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने एक दिन में 40 लाख से भी ज़्यादा का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया था, और एक वीक के अंदर 1.8 करोड़ का। तो गाइस काफ़ी ख़तरनाक अमाउंट जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और इन सब चीज़ों के बारे में आपको सीखने मिलेगा इसी वीडियो में, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो स्वागत है हमारे चैनल में सौरभ भाई। थैंक यू सो मच। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि सौरभ भाई जो सौरभ भटनागर जो आप सरनेम आप देख रहे हो, राहुल भटनागर जी के भाई हैं, और राहुल भटनागर जी के जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स में हेल्प करते हैं, तो वापस से स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो सौरभ भाई आप सबसे पहले तो आप बताइए कि क्या क्या चीज़ें आप करते हैं, किन किन चीज़ों में आपकी जो एक्सपर्टीज है थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। मैंने तो थोड़ा छोटा सा इंट्रो दिया, आप जरा डिटेल से बताइए। ओके, तो एक्सपर्टीज़ जिस चीज़ में है वो ये है कि कैसे किसी ऑनलाइन बिज़नेस को स्टार्ट करना है और कैसे उसको प्रॉफिटेबल बनाना है, क्योंकि ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करने वाले लोग बहुत हैं, बहुत हैं, लेकिन उसे प्रॉफिटेबल बनाने पे लोगों को पता ही नहीं है कि करना क्या है। तो उसलिए फेसबुक ऐड एंड फनल्स, तो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग हमारे व्यूअर्स यहाँ पे होंगे जिनको कि फनल्स का थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होगा, सुना होगा, पहली बार नाम सुना होगा कई लोगों ने। मैं वेबिनार्स करता हूँ ना, तो उसमें बहुत सारे लोग ही आते हैं जिनसे मैं पूछता हूँ कि फनल्स का आपको आइडिया है? ओके। तो वो नहीं सर, हमें फनल का आइडिया नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि फेसबुक ऐड फनल के बिना प्रॉफिटेबल हो नहीं सकता। नॉट जस्ट फेसबुक ऐड, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब ये सब तो एक मीडियम हो गए ट्रैफिक भेजने के, एक कम्युनिकेशन के, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद बैकएंड पे कहानी क्या चल रही है वो मेरा एक्सपर्टीज है कि उस चीज़ को कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है, तो दैट इज कॉल्ड फनल एक्सपर्टीज। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग फेसबुक चलाते होगे, फेसबुक यूज़ करते होगे, तो इनका ऐड जरूर दिखा होगा आप लोगों को, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ों को आप एक्सप्लोर करते हैं तो। हमारा एड्स क्रिस्ट का हमारा लॉन्च हुआ था 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल 2019, तो उसकी हम लोगों ने तैयारी करी थी अराउंड 2-3 महीने के आसपास, और उसमें हम लोगों ने 1.8 CR का रेवेन्यू जनरेट करा था 7 डेज के अंदर, और हमारा जो फर्स्ट डे का रेवेन्यू था वो 40 लाख रुपीज़ का था। अगर मैं आपको नेक्स्ट टारगेट बताऊँ, एम आई अलाउड टू रिवील द टारगेट्स? टारगेट है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 20 जनवरी 2020, उसमें मेरा टारगेट है 1 दिन के अंदर 1 CR का। तो लेट्स सी, फिर उसके बाद एक नया वीडियो बनाएंगे। एक और सर, मैं इंटरव्यूज करता रहता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि भाई जो तुम जिसको लेके आते हो क्या वो सच में उतना अर्न करते हैं या फिर सारी चीजें फेक होती है? बतूलबाजी कर रहे हैं, ऐसे ही आपस में मतलब बातें कर रहे हो, फेक स्टोरी शेयर कर रहे हो, जबकि मुझे पता है कि मैं कितनी मेहनत करके मैं लोगों से बातें कर रहा हूँ। चाहे आपसे मैंने बोला कि सर आप हमारे चैनल पे आइए, लोगों को इंस्पायर करिए, तो वो चीज़ मुझे पता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में आप थोड़ा सा अगर प्रूफ के साथ में हम लोग बातें करें, और जो भी फेसबुक ऐड के बारे में अगर हम बात करने वाले तो इसके बारे में थोड़ा डीपली बात करेंगे ताकि लोगों को वैल्यू मिल पाए। 100% 100%। बाकी मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मतलब ठीक है, जो आपका वो है ना दिमाग में जो डाउट है वो किसी के भी दिमाग में आ सकता है। हाँ। तो मैं इसका आपको एक छोटी सी क्लिपिंग बना के दे दूंगा, क्योंकि पता है क्या है,
स्क्रीनशॉट तो कोई भी दे सकता है, स्क्रीनशॉट फेक भी बन सकते हैं, स्क्रीनशॉट फेक बन सकते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कोई भी फेक बना सकता है, लेकिन एक वीडियो बना के उसको रिफ्रेश करके, पेज को रिफ्रेश करके मैं आपको वो भेज दूंगा, ताकि हमारी, आपका मेरे को पता है, लेकिन जो ऑडियंस है उनके दिमाग में वो रहे कि हाँ यार इट इज, तो आप इसी के साथ साथ ही चला देना, चलेगा है ना, चलेगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ जो सर ने हमें दिया है। ओके, तो ये है हमारा, मैंने, अगर आप देखोगे मैंने डेट का फिल्टर लगाया हुआ है 20 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल, क्योंकि हमने बोला था ये हमारे फर्स्ट डे ऑफ द लॉन्च था। लेट मी रिफ्रेश दिस, ठीक है, हाँ तो मैंने अभी रिफ्रेश करा, तो ये हमारा फर्स्ट डे का यहाँ पे 43K का सेल हुआ था। लेट मी क्लिक ऑन सेल्स अगेन, दिस इज ऑल्सो अनदर रिफ्रेश, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे इसमें सेल आता है, ठीक है, एफिलिएट्स वगैरह के थ्रू भी इसमें सेल आता है। उसके बाद ये हमारा पे किक स्टार्ट प्लेटफॉर्म है, तो बेसिकली वी लॉन्च अ प्रोडक्ट ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म के एफिलिएट्स अलग होते हैं, हर प्लेटफॉर्म में जो बायर्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये पे किक स्टार्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हमारा पहले दिन $1,300 का सेल हुआ था, और ये वॉरियर प्लस प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हमारा पहले दिन $4,450 का सेल हुआ था, वही 20 अप्रैल से 20 अप्रैल में। यहाँ पे भी रिफ्रेश कर देता हूँ, हाँ तो ये 20 अप्रैल से 20 अप्रैल। बाकी इस प्लेटफॉर्म पे अगर मैं ऑफर्स पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सेल्स फनल पे, हाँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस प्लेटफॉर्म पे हमारी जो इस प्रोडक्ट की सेल हुई है वो $230,000 का हुआ है, और वॉरियर प्लस पे इस प्रोडक्ट की जो हमारी टोटल सेल हुई है वो हमारा $21,000 का हुआ है। ये हमारा वही ओवरऑल है एड्स कस्ट का बेसिकली, राइट, यार इसका इन्होंने डैशबोर्ड चेंज करा है थोड़ा सा। यहाँ पे हमारा कुछ $7,458 का हुआ है, बाकी जो मैं अपने पर्सनल साइप कार्ड पे सेल करता हूँ ओबियसली वो अलग है। साइप कार्ड इज अनदर मार्केट प्लेस, जैसे JVZoo हो गया, वॉरियर प्लस हो गया, पे किक स्टार्ट हो गया, मैंने आपको तीन दिखाया अभी। यहाँ पे साइप कार्ड पे मेरा अपना पर्सनल सेल्स चलता है जो हम एड्स के थ्रू करते हैं। तो सर अब हम बात करते हैं कि फेसबुक एड, जो भी आप बोल रहे हैं फेसबुक एड में अपना प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आप थोड़ा बताइए। यार मैंने ना आज तक जितने भी लोगों से बात करी है वो लोग सब यही बोलते हैं कि फेसबुक एड्स वर्क करते हैं, फेसबुक एड वर्क नहीं करते हैं, या फिर मैं, सर मैंने ना ऑनलाइन वीडियोज़ बना दिए लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा। अब यार पता है एक सरप्राइजिंग चीज़ बताता हूँ, मैंने ना, हम लोग इवेंट कर रहे थे, हमारा SLM इवेंट था दिल्ली के अंदर, मैंने वहाँ पे लोगों से क्वेश्चन करा, ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ना, आप ऑनलाइन मार्केटिंग का मेन एसेंस समझ जाओगे। तो मैंने क्वेश्चन करा, मैंने कहा यार आप अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आप कैसे करोगे, तो सब लोग यही कह रहे थे कि मैंने वीडियोस बनाने शुरू कर दिए हैं, मैंने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है, मैंने ये सब स्टार्ट कर दिया है, सोशल मीडिया पे मैंने प्रेजेंस बनाने अपनी शुरू कर दी है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैंने कहा चलो एक चीज़ बताओ, अगर आप ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो क्या करोगे। कह रहे पहले तो जगह देखूंगा कि कहाँ पे आसपास सोसाइटी होनी चाहिए, माल बिकना चाहिए, राइट, उसके बाद फिर ये देखूंगा कि सामान लेके आना है, सामान भरना है, ये सब। मैंने उसी समय उन लोगों को टोक दिया। एक बार आप भी सोचो, ठीक है, मैं अब जो बोलने वाला हूँ, अगर आप ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आप क्या करोगे, ठीक है। होता क्या है कि जब आप ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आप अपने प्रोडक्ट पर काम कर रहे हो। ऑनलाइन मार्केटिंग में इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ है ना मार्केट के अंदर कि सोशल मीडिया, या सोशल मीडिया पे जब तक आपका प्रोडक्ट नहीं है बैकएंड में तो आप उस पर कॉन्टेंट डाल के करोगे क्या। मैं जिस एड्स के प्रोडक्ट की आप बात कर रहे थे, बेसिकली जिस प्रोडक्ट ने 40 लाख का रेवेन्यू जनरेट करा था एक दिन में और 1.8 CR आया था 7 डेज में, उसका जब हमने लॉन्च करा था और जब इतना रेवेन्यू जनरेट करा था, उस पेज पे, हमारे फेसबुक पेज पे हार्डली 40 से 50 लाइक्स होंगे, और आज की डेट में भी उसमें हार्डली 100-150 लाइक्स होंगे मैक्सिमम। तो लाइक्स, कमेंट्स, उन सब से तो कोई फ़र्क ही नहीं है। सेल के हम लोग ऐड चलाते हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, क्योंकि हमारा जो फनल है वो स्ट्रांग है, राइट। तो मैं अगर आपको फनल का एग्जांपल दूं, फनल का थोड़ा सा अगर मैं आपको आइडिया दूं, आपने, चलो मैं आपको छोटा सा ऑफलाइन एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आपने कभी वो ख़रीदा होगा, लेट से जिम कभी गए होगे, है ना, आप तो लगते हो जिम वगैरह जाते नहीं, नहीं, अभी मैंने शुरू किया है। अच्छा ठीक है, तो लेट सपोज आप जिम गए, अच्छा ऐसा हुआ था कि आप जिम में गए और उसने, भाई ने आपको बोला कुछ दिनों के बाद कि यार ये प्रोटीन सप्लीमेंट ले लो। हाँ, लोग बोलते हैं कि सप्लीमेंट लोगे तो ही बॉडी बनेगी, ऐसा 100% राइट।
और ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ और ट्रेनर आया होगा कि यार पर्सनल मेंटोरिंग तो ले लो, हुआ था के लिए बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं ना पीटी के लिए, हाँ, और उसका एक ज्यादा अमाउंट चार्ज करते होंगे, हाँ, अलग से चार्ज होता है, अलग से चार्ज होता है। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बात करूँ अमेजोन पे बाइंग करी होगी आपने, कुछ ना कुछ खरीदा होगा, कैमरा कुमरा वहीं से उठाया होगा, है ना, जब हाँ जैसे आपने अमेजोन पे कुछ खरीदा, आपने देखा कि एकदम से आ जाता है रिकमेंडेड फॉर यू, या फिर दीज टू थिंग्स आर बॉट टुगेदर, या फिर मैकडोनल्ड्स की अगर बात करूँ वो 25 रुपए का बर्गर दिखाते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हो, अगर आप बोलते भी हो कि मेरे को बर्गर खरीदना है, तो वो आपको क्या बोलते हैं कि फ्रेंच फ्राइज और कोक तो ले ही लो, तभी आपको फायदा होगा, देखा है, हाँ, कॉम्बो ऑफर करके कुछ। तो क्या आपके दिमाग में ये घंटी नहीं बज रही कि यार जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं उसमें कहीं ना कहीं हर लेवल पे एक अपसेलिंग चलती रहती है? सो बेसिकली बिजनेस के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एक होता है लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू, कि जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनसे आप उनका लाइफ टाइम जो प्रॉफिट है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हो, जो कि वो पर्सनल मेंटोरिंग के साथ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कि जब सेल हो रही है तो उस ऑर्डर का जो टिकट साइज़ है, यानी कि जो उसका रेवेन्यू है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, जो कि मैकडोनल्ड्स कर रहे हैं और चीज़ें पुश करके। तो इन दो चीज़ों पे मैं काम करता हूँ, okay. तो मेरा जो ये दो चीज़ें हैं ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं उनका पूरा बैकएंड पे बना के रखता हूँ। अगर आप कभी मेरे किसी फनल के अंदर एंटर करोगे, मेरे अराउंड इस समय 8 से 10 प्रोडक्ट्स हैं विच आई सेल, ठीक है, उसका जो मैंने फनल बना रखा है वो इस तरीके से बना रखा है कि पहले तो जैसे एड्स के अगर मैं बात करूँ, उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो $500 के आसपास है, ओके, लेकिन जो सिर्फ नेकेड आई को दिखता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान को दिखेगा, वो सिर्फ $47 दिखेगा। जब आप उसे खरीद लोगे ना, फिर आपको उसके पीछे के प्रोडक्ट्स दिखाई देने शुरू होंगे बैकएंड, उसके बाद पूरा पैकेज $500 का, लेकिन जो एंट्री करवानी है कस्टमर की, वी कॉल इट $47, हाँ वी कॉल इट फुट इन द डोर, तो वो जो फुट इन द डोर करवाना है ना, वो छोटा सा साइज है, okay. उसके बाद फिर बैकएंड पे अगर मैं लीड जनरेशन भी कर रहा हूँ, जो मेरे एड्स आपको दिखते हैं और आप लोगों को भी दिखेंगे, ठीक है, उसमें जो मेरा ऑफर है वो फ्री है, इट्स अ फ्री ऑफर, लेकिन उसके बाद जो उसकी कहानी जो है वो उसके बाद शुरू होती है, जहाँ पे फिर वो प्रोडक्ट और वो सारी चीज़ें आनी शुरू होती हैं। मेरा चलो मैं आपको इसका भी वो दूंगा, थोड़े ऑडियंस स्क्रीनशॉट भी ले लेगी, उनको भी फ़ायदा ही मिलेगा। तो बेसिकली हाँ बैकएंड का, तो मैं क्या कहता हूँ कि मेरे जैसे 8 से 10 प्रोडक्ट्स हैं ना, तो ये मैंने आज तक कभी बताया नहीं है, तो आपके साथ ही जिक्र हुआ तो आई एम शेयरिंग ओवर हियर। तो मैंने ना सबके अपने एक सीक्वेंस बना रखे हैं बैकएंड ईमेल के, तो एक बंदे ने अगर ये प्रोडक्ट खरीदा लेट सपोज, तो उसके पास फिर उसके अपसेल्स का सीक्वेंस चलता रहता है कि ये भी खरीदो, ये भी खरीदो, बैक एंड ऑटोमेशन, मेरे को कुछ नहीं करना, अभी भी ज़्यादा होगा। उसके बाद फिर मेरा ये प्रोडक्ट है, ये है, ये है, ऐसे 10 प्रोडक्ट्स हैं, फिर ऑटोमेटिकली अगर उसने ये प्रोडक्ट खरीद लिया या फिर नहीं खरीदा, तो वो ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट से शिफ्ट होकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, वो मैंने टैग लगा रखा है, तो वो इस प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाता है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसके पास इस प्रोडक्ट के ईमेल जाने शुरू हो जाते हैं, अराउंड 10 ईमेल का सीक्वेंस फिर इस प्रोडक्ट का, फिर इसमें खरीदा नहीं खरीदा, फिर उसके बाद वो तीसरे प्रोडक्ट पे, तो वो पूरी कहानी बैकएंड में चलती रहती है, okay. और वो ऐसी चीज़ है जो किसी को नेकेड आई से दिखती ही नहीं है, आपको कैसे दिखेगा, राइट? तो बाहर तो आपको सिर्फ एक छोटा सा मेरा फ्री लीड जनरेशन का पेज दिखेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड फनल। वो पूरा मेन चीज़ ये है कि ये सारा काम ऑटोमेशन पे होना चाहिए, क्योंकि मैनुअली नहीं कर सकते, नहीं हो सकता यार ऑफलाइन बिजनेस में। तो चलो आपके पास वो ट्रेनर्स हैं जो आपको बोलेंगे सर मैं पर्सनल मेंटोरिंग तो ले लो, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में एक बंदा सुबह के 2 बजे सब्सक्राइब कर रहा है, एक 5 बजे, एक 11 बजे, और किसी भी टाइमिंग पे और किसी भी मंथ में, किसी भी दिन, तो वो पूरा SMS का और ईमेल का ऐसा पूरा सीक्वेंस बना हुआ है, वो जब जिस समय जिस बंदा सब्सक्राइब करेगा वो उसको उसी के अकॉर्डिंग जाता रहेगा। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है बेसिकली किस काम के लिए प्रोडक्ट है यार? मेरा किस टाइप के लोग खरीदते हैं इसको? हाँ मेरे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो तो वो लोग खरीदते हैं जो कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, okay. और मेरा सॉफ्टवेयर्स का जो मेजॉरिटी ऑडियंस है वो है वहाँ का US का, नॉर्थ अमेरिका स्पेसिफिकली, ठीक है, तो 99% ऑडियंस हमारी वहाँ की है। तो बेसिकली आप ये लगा लो जैसे कोई बुटीक ओनर है न्यूयॉर्क में बैठा है, या फिर कोई रेस्टोरेंट ओनर है जैसे वो लंदन में बैठा है, कहीं पे भी, तो जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो ये वाले हैं। बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर्स वो हैं जो कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा एंगेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा रेवेन्यू में ओवरऑल हेल्प करते हैं, okay. इसके अलावा जो मेरा कोचिंग प्रोग्राम है वो फेसबुक एड्स एंड फनल का कोचिंग प्रोग्राम है, तो वो तो बेसिकली किसी के लिए भी है जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहता है, अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, तो वो उसके लिए। अच्छा सर, आपने इतने सारे टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करा, एक बार आपके एजुकेशन के बारे में बताइए कि आपने क्या एजुकेशन करी है।
आपको क्या लगता है? आपने कुछ टेक्निकल कोर्स तो करे ही होंगे, इंजीनियरिंग वगैरह तो? नहीं यार, मेरा बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया है मैंने. ओके. और पहले 2 साल में पूरी यूनिवर्सिटी में सेकंड लास्ट था. अच्छा. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में था मैं. पीछे से फर्स्ट सेकंड आते थे. पीछे से सेकंड ही आया, दोनों में कंसिस्टेंट था. जो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था ना वो लास्ट था, निशांत, और मैं सेकंड लास्ट था फर्स्ट ईयर में. तो आप डिजिटल चीज़ों में कैसे आपका इंटरेस्ट हुआ? मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करी थी. ओके. और उसमें जो हमारा प्रोडक्ट था वो था नेटवर्क मार्केटिंग, आपको पता है ना, इसमें चेन ऐसे बनाते थे, MLM वाला. तो उसमें जो हमारा प्रोडक्ट था वो था वेबसाइट्स बनाना. ओके. तो वहाँ से मेरे को ऑनलाइन चीज़ों के बारे में, सेकेंड ईयर में था उस समय में, तो वहाँ पर साइबर कैफे में रात रात में जा जाके, क्योंकि उस समय लैपटॉप नहीं था, तो वहाँ पर जा के फिर स्टार्ट करा था. ओके. एंड राहुल सर ने भी बताया था कि आप लोगों ने कुछ कूपन्स एंड ऑल ये सब स्टार्ट करा था, स्टार्टअप वगैरह कुछ, उसमें आप भी थे? हाँ. तो वो हमारा वाला पीरियड कैसा था, उसके बारे में थोड़ा बताइए यार. आई वुड से कि वो, मैंने अपने जोश टॉक में भी बोला था कि वो स्ट्रगल वाला पीरियड नहीं था, वो पीरियड इतना हेल्पफुल था हमारे लिए. वो वाला टाइम था जिसमें हमारी पर्सनालिटी बिल्ड हो रही थी, क्योंकि आज की डेट में, उस समय, चलो उस समय की बात करते हैं, उस समय जो हमारी मंथली इनकम थी, प्रॉफिट, वो था 500 रुपये पर मंथ, और वो टाइम चला था अराउंड 4.5 साल तक. तो आज की डेट में अगर मेरे पे 1 रुपये भी कहीं से कमाने की अपॉर्चुनिटी आती है ना, आई वर्क रियली हार्ड फॉर इट. मेरा एक पार्टनर है, सिमरन नाम है उसका, जो एडस्क्रिप्ट का बेसिकली जिसने डेवलपमेंट करा था, माई रोल इज मार्केटिंग. तो हम दोनों वेबिनार में साथ थे, तो वो मेरे को बोल रहा था, यार तू वेबिनार में बोल ही जाता है, चुप ही नहीं होता. मैंने कहा भाई अगर वेबिनार में एक बंदा भी बैठा हुआ है मैं तो बेचूंगा, क्योंकि उस, आप समझ रहे हो, मेरा $500 का प्राइस है, 30,000 रुपये, और पहले मेरे को एक महीने मेहनत करनी पड़ती थी 500 रुपये कमाने के लिए. तो मेरे वेबिनार में अगर एक भी अटेंडी बैठा हुआ है, हमने एक वेबिनार करा था, मैंने और राहुल भैया ने मिलकर ही करा था, इट वेंट फॉर 7 आवर्स. आपने सुना होगा लोग वेबिनार करते हैं 1.5 घंटा 2 घंटा, हमारे वेबिनार का जो एवरेज साइज होता है वो 4 घंटे का तो होता ही होता है. ऑफकोर्स हाँ, तो वो जर्नी ये थी कि हमारे 4.5 साल तक जो इनकम थी वो 500 रुपये पर मंथ थी, और उसके बाद हमें 10 लाख रुपये का लॉस हो गया था. बट जस्ट लाइक टोनी रॉबिन्स सेज कि लाइफ ऑलवेज हैपन्स फॉर यू नॉट टू यू. अगर वो 10 लाख रुपए का लॉस हमें नहीं होता तो मैं कभी भी ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट नहीं होता. तो उसके बाद मैं आई टुक द डिसीजन कि अब ऑफलाइन को छोड़ के ऑनलाइन बिजनेस में जाना है. फिर उसके बाद मैंने अपने आप को 1 महीने के लिए लॉक करा एक होटल रूम के अंदर, बेसिकली एक क्लाइंट के थ्रू मेरे को वो मिला था. तो आई लॉक्ड माई सेल्फ ओवर देयर एंड 1 महीने तक मैंने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया, सब कुछ ऑफ कर दिया. उस 1 महीने में मैंने 500 से ज़्यादा वीडियोज़ देखे, और सिर्फ मैं सीख रहा था. उसके बाद जो सारी चीज़ें हुई ना, वहाँ से पूरी जर्नी चेंज हो गई. ओके. तो अभी अभी जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपके क्या क्या रेवेन्यू के सोर्सेज हैं उसके बारे में बताइए, और कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है पर मंथ? ओके. यार मेरे जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, एक तो हमारा सॉफ्टवेयर्स का है. अब सॉफ्टवेयर्स का जो हमारा लॉन्च पीरियड होता है 7 डेज का, वो हमारा बल्क रहता है, क्योंकि उसमें हम लोग खुद भी प्रमोशन कर रहे होते हैं और एफिलेट्स भी प्रमोट कर रहे होते हैं. okay. तो इसलिए वो रेवेन्यू एकदम से ज़्यादा होता है, 7 डेज में 1.8 CR हो गया. उसके बाद अब मैं उसके कंसिस्टेंटली सेलिंग करता रहता हूँ सॉफ्टवेयर की. हमारे फेसबुक ऐड हमारे चल रहे हैं, तो उसमें आप ये लगा लो रोज का हमारा एवरेज रहता है $500 से $1,000 के बीच में, एक एवरेज हमारा चलता रहता है डेली का. और इसके अलावा मेरा एफिलेट मार्केटिंग का है, तो एफिलेट मार्केटिंग जैसे मैंने आपको बताया ना, बाकी लोग हमारे प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं. तो एफिलिएट में वो प्रोडक्ट क्या रहता है? हाँ मैं आपको वही बता रहा हूँ. अच्छा. जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रोडक्ट और एफिलिएट्स ने प्रमोट करा था. इन द इंटरनेशनल मार्केट प्लेस डेली एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है. आप कभी वेबसाइट चेक करना munchi.com, ठीक है? तो वहाँ पर रोज के 4 से 5 नए सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहे होते हैं. सो आई पिक अ सॉफ्टवेयर विच वुड बी सुटेबल फॉर माई ऑडियंस, और उनको फिर मैं उठा के प्रमोट करता हूँ. अच्छा, एफिलेट मार्केटिंग. ओके. तो उसमें हमारा हर महीने का अराउंड $10,000 के आसपास, 6-6.5 लाख रुपए का उसके थ्रू आता है. इट डिपेंड्स. अभी बीच में एक प्रोडक्ट मैंने प्रमोट करा था, उस अकेले प्रोमो में हमारा $15,000 के हमने सेल करी थी. ओके. तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल फेसबुक एड्स का था, तो मेरी ऑडियंस पूरी वही है, तो वो उसकी ज़्यादा अच्छी सेल हुई थी. और आपने खुद के भी प्रोडक्ट्स सॉफ्टवेयर के अलावा कोई बनाया, फेसबुक का कोर्स हो गया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरा फेसबुक का कितना जनरेट होता है? फेसबुक का और हमारा फनल का कोर्स है. तो मेरा फनल का कोर्स है, फेसबुक एड्स का कोर्स है, और वो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि वो मेरा पैशन है. ओके. बिकॉज सी यार, मेरा सॉफ्टवेयर बिजनेस इज रनिंग प्रीटी वेल. हमारा जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है, इट्स बाय द नेम मार्केट प्लेस, वो 20 जनवरी को आ रहा है. अभी आपने बताया. हाँ. और
20 जनवरी को उसका लॉन्च है और उसमें इट इज़ द फर्स्ट इन द मार्केट सॉफ्टवेयर. तो अगर आप इस चीज़ की वैल्यू समझोगे, फर्स्ट इन द मार्केट, ऐसा सॉफ्टवेयर आज तक दुनिया में नहीं है. तो ऑटोमेटिकली मेरा उसका फर्स्ट डे का टारगेट है 1 CR का. लेट्स सी ठीक है. 20 जनवरी के बाद उसका वीडियो बनाएंगे. तो हाँ, तो बेसिकली एक तो वो हो गया, दूसरा हमारा एफिलिएट मार्केटिंग हो गया. तो जो मैंने कोर्स से बनाया ना अपना फेसबुक एड्स का और फनल का, वो मेरा पैशन के लिए मैंने बनाया. फ्री में आप बता रहे हो? हाँ, वो फ्री में आप बताते हो. मेरा एक फ्री कोर्स है और मेरा एक पेड कोर्स है. पेड कोर्स अगर नहीं रखूंगा ना तो किसी को कुछ वैल्यू मिलेगी ही नहीं. और लोग ना उसको हल्के में लेते हैं, हल्के में लेते हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं. यार, आई हैव बीन टू मास्टरमाइंड्स जिसमें कि $25,000 हम लोग पे कराए एक मास्टरमाइंड में जाने के लिए. अब उसमें कुछ वोल वाले लोग भी होते हैं जिन्होंने कि जो फ्री में भी आए हैं. आज तक का इतिहास है कि जो लोग वहाँ पे पैसे दे के बैठे हैं ना, वो लोग ही कुछ कर पाए हैं. फ्री में जो वहाँ पे आ गया, लेट सपोज किसी का कनेक्शन होता है ना, उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में कुछ नहीं करा है. यू नेवर वैल्यू द थिंग्स. तो अभी जो आपने टोटल जो अभी बताया आपने अलग अलग रेवेन्यू, तो टोटल पर मंथ कितना हो जाता रहेगा? टोटल पर मंथ हमारा अराउंड 20 लाख के आसपास. 20 लाख के आसपास. आप मेरी ऑडियंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ सुझाव? यार, सबसे पहले तो कुछ चीज़ों पे अपना काम करो, ठीक है. मैंने जिन जिन चीज़ों पे काम करा था, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने कम्युनिकेशन पे मैंने वर्क करा था. ओके. ठीक है, आई वॉन्ट से कि मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, लेकिन मैं अपना आइडिया और अपने मैसेजेस को कन्वे कर पाता हूँ. बिल्कुल. पहली चीज़, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस. दूसरी चीज़ जिस पे आप वर्क करो वो ये कि आप उस प्लेटफॉर्म से, किसी एक प्लेटफॉर्म को सीखो जिससे कि आप ट्रैफिक जनरेट कर सको, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो. फेसबुक में इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि सबसे चीपेस्ट है उससे ट्रैफिक जनरेट करना. CPM की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मिनिमम है CPM. ओके, CPM इज़ बेसिकली कॉस्ट ऑफ रीचिंग आउट टू 1000 पीपल. ठीक है, तो वो वहाँ पे मिनिमम है. और जो टारगेटिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे बेस्ट है. ज़्यादा मतलब अच्छा है, सारा डेटा है ना. अगर आपको एक मार्क नाम के बंदे को रीच आउट करना है जो कि 40 साल का है, लंदन में बैठा है, हैरी पॉटर का फ़ैन है, कॉफ़ी पीना उसे पसंद है, उसके घर में एक लैब्राडॉग है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पास आउट है, सारा डेटा तो है फेसबुक के पास. आप बचा क्या? ऑल यू हैव टू डू इज कम अप विद अ गुड प्रोडक्ट एंड टारगेट द पर्सन. राइट, दैट्स ग्रेट. तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सर ने काफ़ी शानदार वैल्यू दी आप लोगों को. आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए. और सर के साथ एक और वीडियो आ रही है तो आप लोग मिस मत करना. और थैंक यू सो मच सौरभ भाई इतना अच्छा वैल्यू शेयर करने के लिए हमारे चैनल पे आने के लिए. तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा. ठीक है यार, मैं थोड़ा सा बोल सकता हूँ? जरूर जरूर. यार, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि पहले तो सतीश ने पूरा अरेंजमेंट करा, ठीक है, यहाँ पे बुलाने का, सारी चीज़ें का. एक मिनट यार, मेरे को नहीं लगता बहुत लोग यहाँ पे तारीफ करके जाते होंगे, लेकिन इस बंदे का भी एफर्ट है. ये जो वीडियो आ रहा है आपके सामने जो आएगा वो एक फुल प्रूफ वीडियो आएगा, लेकिन बीच बीच में ना बहुत सारे वो हो जाते हैं, कट्स हो जाते हैं, और वो सारी माइनर चीज़ों को रिड्यूस करना होता है. जैसे बीच में एक बार घंटी बजी थी, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन उस घंटी बजने को हटाना, वो वापस उसको रीटेक करना, उसके बाद बीच में जो साउंड आती होगी वो बिल्कुल 100% तो नहीं होती होगी, आपको बैकएंड से नॉइस रिडक्शन करना पड़ता होगा. राइट, तो वो सारी चीज़ों का ना एक बहुत बड़ा एफर्ट है जो कि हर वीडियो को बनाने के लिए जाता है. तो एक छोटा सा ये है, रिक्वेस्ट है कि कम से कम कमेंट कर दो, लाइक कर दो, तो उससे होगा क्या कि इस वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा, भाई को भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी है और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि एटलीस्ट चलो लोगों ने एफर्ट्स को थोड़ा सा रहा. ऑब्वियसली तो अच्छा लगता है. तो थैंक यू सो मच. और जो लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पर ऐसे ही आपको वैल्यूएबल वीडियोस मिलेंगी, इंस्पायरिंग वीडियोस मिलेंगी. तो चलो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इंस्पायरिंग वीडियो में. तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो.